नागौर जिले में बात करें तो हनुमान जी के कई मंदिर बने हुए हैं तथा इन मंदिरों का अलग अलग भी कारण है तथा अलग अलग प्रकार का इतिहास व मान्यता भी है। ऐसा ही मंदिर नागौर के बुगड़ा गांव में वीर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये मूर्ति पश्चिम मुखी हनुमान जी की मूर्ति है तथा मंदिर की बनावट भी प्राचीन तरीके से की गई है। यहाँ पर पहले हनुमान जी के भक्त रहते थे, उन्हीं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। वहीं इस मंदिर परिसर में 500 वर्ष पुराना केर का पेड़ लगा हुआ है। जब से इस मंदिर की स्थापना हुई आज तक वह पेड़ हरा भरा है। वहीं वीर हनुमान जी का मंदिर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर दिशा की मूर्ति है और वीर हनुमान की मूर्ति है और दावे से कह के सहायक है। जमीन में प्रकट व्योड़ी देखी मैथिली है, जमीन में प्रकट व्योड़ी है और अब मैं सेवा करार वहाँ के सहायक है। मारो नाम राम न्यास है। मंदिर ऐसा 500 साल पुराणु और वीर हनुमान को मंदिर है और दावे से कह के सहायक है। और एक बार महामारी की बीमारी आई, बिंग माई ने बीमारी के माई ने हनुमान जी वीर हनुमान महाराज जगह दूर करी, महामारी ज़्यादा फैलन को दी और दावे जगह सहाय करे और जोड़े हूँ आवे जगह के सहाय करे और वो मैं सेवा करा ना कहकर सहाय करे। भगत रहता मैं दास रहता तो को भैरो है माँ दासा को और हनुमान जी की मंदिर की मैं सेवा करता। मैं जाने के बाद में मेरा बाबा जी करता और बाबा जी जाने के बाद में मारा भाई करतो और भाई जाने के बाद में अबे मैं ही पूजा करा।